इस देश में कई समाज सेवक है जो बिना निस्वार्थ के समाज की सेवा करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक समाज सेवक से मिलाने वाले हैं जो पिछले कई वर्षों से निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते आ रहे हैं। इनका नाम है अरविंद उपाध्याय। अरविंद उपाध्याय जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और कर्मभूमि इनकी मुंबई है। पिछले कई सालों से अरविंद उपाध्याय जी देश में समाज सेवा का काम करते हुए आ रहे हैं। वे कभी जरूरतमंदों को अनाज तो कभी कंबल जैसे जरूरतों को वो सहायता करते हैं। अरविंद उपाध्याय जी कई संस्थाओं से जुड़े हैं जिसे देशवासियों की वे सेवा करने का काफ़ी दिलचस्प रखते हैं। अरविंद उपाध्याय जी सौजन्य सेवार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भागवत सप्ताह का आयोजन किया है। इसके अंतर्गत 29 और 30 अगस्त को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक और 31 अगस्त से 4 सितंबर तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक पूज्य शशि प्रभा जी अपने मुखारविंद से श्री भागवत गीता का अमृत पान कराएंगे। इस भागवत सप्ताह के आयोजन में गणेश अग्रवाल, तुषार पारिक और अरविंद उपाध्याय जी समेत कई लोग शामिल रहेंगे। यह कथा 29 तारीख से मतलब आज से ही शुरू होगी। 4 सितंबर को समापन होगा। वही कथा की कलश यात्रा वेम पौथी यात्रा 28 अगस्त को 3 बजे निकाली गई, जहां पर समाज सेवक अरविंद उपाध्याय जी, गणेश अग्रवाल, तुषार पारिक समेत तमाम भक्त अपनी भक्ति के सराबोर में नजर आए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्त नाच नाच कर इस कलश यात्रा का शोभा बढ़ा रहे हैं। कलश यात्रा संपन्न होने के बाद पूज्य शशि प्रभा जी ने मीडिया को संबोधित किया और बताया कि युवाओं को भागवत कथा सुनने की बहुत ही जरूरत है। सर्वजन्य सेवार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इस तरह के कई आयोजन करता है, अब भागवत सप्ताह का आयोजन कर रहा है। आपको बता दें, आप भी इस कथा का लाभ ले सकते हैं। यह कथा भाईंदर के मैक्सिस मॉल के सामने पैराडाइज बैंकट हॉल में आयोजित किया गया है और जो लोग यहां पर आकर कथा नहीं सुन पा रहे हैं वे आशा टीवी पर इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं और साथ ही मौसो टीवी के चैनल पर भी इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। भागवत कथा बुजुर्ग लोग से ज़्यादा मायने रखता है युवाओं के लिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग तो कहीं ना कहीं अपना जीवन कुछ व्यतीत कर चुके हैं। युवाओं को इससे सबसे बड़ा लाभ होता है। लाभ ये होता है कि श्रीमद् भागवत की कथा जब हम श्रवण करते हैं तो किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से दूसरे की मदद करनी चाहिए और अपने जीवन का, अपने धन का, अपने तन का, अपने मन का कैसे सदुपयोग करना चाहिए, इसकी शिक्षा हमें मिलती है, इसकी प्रेरणा मिलती है श्रीमद् भागवत महापुराण से। तो युवा वर्ग को तो अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत लंबा समय देखना है। वो जब इस कथा को सुनेंगे तो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा जो समाज के लिए हितकर होगा। मेरा नहीं हुआ है ये आगमन, भगवान की कथा का हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भगवत कथा से प्रेम करते हैं। मेरा नहीं, शायद कोई भी संत यदि भगवान की कथा करते तो यहाँ के लोग उतना ही प्रेम देते, क्योंकि भगवान की कथा से जो लोग भी प्रेम करते हैं वो अवश्य जिसके द्वारा कथा श्रवण कराई गई है उसको ज़रूर याद रखते हैं। ये संदेश देना चाहूँगी कि श्री रामचरितमानस में जैसे एक चौपाई आती है राम जी का कि प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा। तो जब राम जी प्रणाम करते हैं कौशल्या जी को तो वो स्वयं कहती हैं कि जाके पिता को प्रणाम करो और पिता आदेश देते हैं कि जाके अब गुरु को प्रणाम करो। तो माता पिता का ही सर्वप्रथम कर्तव्य होता है बालक को संस्कार देना और हम अपना पूरा जीवन अपने संस्कारों के आधार पर ही रखते हैं, अपने संस्कारों को लेकर के ही पूरे जीवन को व्यतीत करते हैं। कहा जाता है कि जब घर बनता है और उसकी नींव मजबूत होती है तो इमारत काफ़ी समय तक टिकाऊ होती है और बहुत मजबूत होती है। तो हम जब बाल्यावस्था में होते हैं तो वो हमारी नींव होती है और उस नींव को मजबूत करने का काम हमारे माता पिता के द्वारा होता है। तो सभी माताओं पिताओं से ये अनुरोध है कि आप अपने बालक को ऐसा संस्कार दीजिए कि जब वो बड़े हों तो समाज में इतनी मजबूती के साथ खड़े हों कि कहीं ना कहीं ये लोग कहें कि ये किसका पुत्र है। भागवत कथा को लेकर के ज़्यादा उत्साहित हूँ। मैं इसलिए उत्साहित हूँ कि मुंबई में पहली बार भागवत की कथा करूँगी। बाकी जगह पे तो मैं बहुत कर चुकी हूँ। मुंबई में जनवरी में आई थी तो मैंने राम कथा किया था, लेकिन भागवत कथा पहली बार करूँगी तो नए श्रोता मिलेंगे और मुझे नया जगह मिला है तो काफ़ी उत्साहित हूँ मैं। ये है कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके भगवान श्री कृष्ण गोलोक बिहारी की प्राप्ति होती है, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है। वैकुंठस्थो यतः कृष्णा लोके फलप्रदा, मतलब अगर इसको श्रवण कर लिया जाए तो जीवन जीने की कला तो आती ही है, साथ में भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है और ईश्वर से कहीं ना कहीं जीव को प्रेम हो ही जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करके। चाहूँगी
कि जैसे वो लोग कथा के प्रति समर्पित हैं, उसी तरह से समर्पित जीवन भर रहे हैं। क्योंकि अगर वो समर्पित हैं तो इससे मात्र उनका नहीं, जितने लोग भी भगवत कथा सुनेंगे उन सभी लोगों का कल्याण होगा। तो यदि वो भविष्य में भी तत्पर रहे तो शायद बहुत लोगों का कल्याण हो जाए। प्रेम, लोगों में भक्ति का प्रेम, और विशेषकर महिलाओं में, हमारी आज जो महिलाएं हैं, महिलाओं में ही भक्ति है। भक्ति, आप देखेंगे भक्ति का वर्ड ही स्त्रीलिंग है, तो भक्ति महिलाओं में जो भक्ति और शक्ति है, उसके द्वारा उनका जो उत्साह है वो देखते बनता है। वो चाहती, वो अपने जीवन में भागवत बहुत प्रेमी हैं, और उनके महिलाओं की शक्ति से हम पुरुष भी चल रहे हैं। हम पुरुष एक आयोजन करते हैं, लेकिन भक्ति, भक्ति और शक्ति उनसे मिलती है, और इस भक्ति शक्ति से एक विवेक की जागृत होगी, ज्ञान का जागरण होगा, और उस ज्ञान भक्ति से हम अपने जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। हमने एक इसको शुरुआत दे दी, इस कथा को एक भव्यता दे दी है। जैसे एक कृष्ण का जो भी, कृष्ण की जो भी कथा है वो एक उत्सव है, एक आनंद है। कृष्ण खुद एक आनंद है, एक उत्सव है। तो ये कृष्ण जो आनंद और उत्सव हैं, जब इनकी कलश यात्रा निकली, रथ यात्रा निकली, तो हम एक आनंद और उत्सव में आए, क्योंकि हम एक, ये भागवत कोई मामूली चीज़ नहीं है। भागवत भगवान की आनंद यात्रा है, उनकी जीवन गाथा की एक सुंदर यात्रा है, जिसमें आनंद और उत्साह भरा हुआ है। इसलिए इस भागवत की जो शुरुआत है, इस कलश से, कलश द्वारा करने का मतलब है एक आनंद, एक उत्साह, एक उमंग से इस कथा का आरंभ हो रहा है, और इस कथा के आरंभ की अंत भी उत्साह और आनंद। भगवान को प्रणाम करूंगा। और हम लोग, बड़ा सौभाग्य रहा है मुंबई में जब हम लोग आए, 93 से ही हम सत्संग में जुड़े हैं। अपने कार्य को करते हुए, अपने जो हमारा संसाधन है, जो वारिका है, हम गुदड़ी के लाल मुंबई और यूपी से चल के मुंबई आए, और 93 में हमें भागवत कथा सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला। और तभी से हमारे अंदर प्रेरणा थी कि कुछ न कुछ तत्पर चलते आ रहे हैं हम लोग। और कथा हमारी छोटी बहन है, हमने गणेश भैया से बहुत निवेदन किया था, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, और पिता, बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, मसीहा बन के हमारे जीवन में आए। हमने निवेदन किया था, भैया हमको, हम लोग एक मिलकर नई शशि दीदी की कथा कराएं, और कथा आस्था पे लाइव कराएं, जिससे कि जो दीदी के अंदर जो ललक है, लोगों को समाज तक दीदी का उद्देश्य लोगों तक पहुँचने का प्रयास आस्था के माध्यम से हो सकता है। कथाएँ तो रोज़ हो रही हैं और लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है। बहुत संत महात्मा हमारे देश में है, हमारा देश महर्षियों का, ऋषियों का देश है हिंदुस्तान, हमारा भारत। और यहाँ पे बहुत अन्य प्रकार के महर्षि हैं, देव ऋषि हैं, संत महात्मा हैं। तो उसी में हमारी एक बहन भी है, साध्वी बहन हमारी, शशि प्रभा, छोटी बहन। हम लोग ने निवेदन किया भैया से कि भैया हम लोग कथा कराएंगे। भैया ने कहा, भैया अगर अरविंद जी अगर आप कहते हैं तो हम लोग करेंगे, आपको मदद, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी भैया के ही मार्गदर्शन में पूरी कथा हो रही है। बस आप सबका आशीर्वाद है, यह जीवन ऐसे चलता रहे, यही उपलब्धि है। गणेश भैया का साथ हम लोग जीवन भर ऐसे हम लोग लगे रहेंगे। जब जब मौका मिलेगा, हम दीदी के माध्यम से, भैया के साथ हमारी पूरी टीम है, और हम लोग अनंतर कुछ न कुछ भगवान जैसा चाहे वैसा करते रहें। कुल्य है मेरा भांदर नहीं, पूरी पूरा हिंदुस्तान को मैं प्रणाम करूँगा, और खासकर 370 विधानसभा मड़ियाओं के लोगों को प्रणाम करूँगा, जो मेरी माँ है। और पहली बार मैं गणेश भैया को प्रणाम करूँगा, तुषार भैया को प्रणाम करूँगा, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी सोच से, जिनके सहयोग से, जो हमारे कथा की रीढ़ की हड्डी हैं, हम लोग मिल के एक प्रयास कर रहे हैं कि भैया कथा लोगों तक पहुँचे। हमारे दीदी के मुखारविंद से, शशि प्रभा जी के मुखारविंद से, जो उनके वाणी में, उनके उद्बोधन से लोगों का जीवन एक भी अंश अगर तर गया, तो हम लोग सौभाग्यशाली समझते हैं। ट्रस्ट कि हम लोग ट्रस्टी हैं, लाइफ टाइम ट्रस्टी हैं, और हम लोग इस सर्वजन सेवार्थ के संस्था की जो सोच है, संस्था, आपने वीडियो देखा होगा, कल से अपलोड होगा बहुत सारा वीडियो, हमारे छोटे अनुज मनमोहन तिवारी जिस पे वर्क करते हैं, पूरा वीडियोग्राफी सब कुछ जिस पे वो वर्क कर रहे हैं, उनकी बहुत मेहनत है। पर्दे के पीछे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे अपने भाई हैं, हमारे परिवार का, हमारा, हमारी कथा एक परिवार की कथा है। मनमोहन तिवारी जी हैं, हरिओम जी हैं, पिताजी आ रहे हैं, माता जी आ रही, हमारी पत्नी है, भैया की पत्नी है, तुषार भैया की पत्नी है, हमारे बड़े चाचा जी बैठे हैं यहाँ पे, अशोक गिरी जी बैठे हैं, बहुत बड़ा परिवार है। और मीरा भाईंदर का बहुत बड़ा परिवार है, और मीरा भाईंदर के लिए हम लोग सबको लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं, सब ये कथा सुने। और जो इसकी सोच है संस्था की, ट्रस्ट की, उसकी सोच को जन जन तक पहुंचाना है। जैसे आपने देखा होगा 370 विधानसभा में, हमने बहुत गरीब, असहाय, मजलूम, जिनका कोई नहीं है,
उनका अरविंद उपाध्याय है, वैसे ही अब तीन ब्रह्मा विष्णु हम लोग महेश, क्योंकि हमारे तीन भाई हम मिल गए हैं, इस चीज़ को हम लोग जन जन तक लेकर जाएंगे, जो गरीब असहाय मजलूम, जो इस ट्रस्ट का सोच है, संकल्प है, जो कल से आपको आस्था की पट्टी दिखेगा कि हमारी सोच है, आपको कल देखने को सबको मिल जाएगा कि कल हमारी सोच क्या है, उस हमारी सबकी सोच है। आपको पता है कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत बहुत बड़ा पर्व है और इसमें सब लोग बिजी होते हैं, हम स्वयं बिजी हैं, और मैं आपके माध्यम से और सबके माध्यम से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जिन तक मैं नहीं पहुँच पाया, उसके 500 जगह हम सब जाना था, गणेश भैया को भी जाना था, सबको जाना था, सब अपने काम धंधे को छोड़ के इस कथा के पीछे लग गए, और क्योंकि हमें 30 दिन के अंदर कथा मिली है, भैया को मालूम है अगर भैया का साथ नहीं होता तो हमें कथा नहीं कर पाते। बुजुर्ग लोग हैं हाँ, जो इस पंडाल तक नहीं पहुँच पाएंगे उनके लिए हमने ऐसी व्यवस्था की है, ऑनलाइन ट्विटर पे कथा आएगी, फेसबुक पे कथा आएगी, यूट्यूब पे कथा आएगी, हमारा एक लोकल महोत्सव चैनल है जो पूरे बॉम्बे में चलता है, आस्था तो खैर इंटरनेशनल चैनल है, वो कई कंट्रियों में चलता है, महोत्सव एक चैनल है जो लोकल चलता है, उस पर ये कथा का फिर दोबारा भी प्रसारण होगा, तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी इस कथा से ना छूटे और इस कथा से जन जन जो हमारा संदेश है, जो हमारी सोच है, वो उन तक पहुँचे और उनकी सोच हम बदल सकें।